Hello students, in this video we are going to discuss about the criteria for similarity of the triangles. We have already studied about the criteria for congruency of triangles in class 9th, and we also know that how many criteria of congruency of triangles exist. First is side congruency, next angle side angle, third side angle side, and fourth RHS. These are the four criteria for the congruency of triangles. अब हमें ये डिसाइड करना है कि क्या ट्राइंगल्स के सिमिलैरिटी के लिए भी सेम क्राइटेरियाज होंगे या नहीं. यहाँ पर हम वन बाय वन स्टडी करते हैं. फर्स्ट क्राइटेरिया है ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी के लिए साइड एंड साइड. इसका मीनिंग हो गया, अगर आपको टू ट्राइंगल्स गिवन है और उनकी साइड सेम प्रपोर्शन में है, सेम रेशियो में अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो उस केस में दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगी. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस ट्राइंगल ए बी सी वी हैव गिवन ऑल द साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल्स. ए बी इज 2 सेंटीमीटर, बी सी 3 एंड ए सी 4. इन द सेकेंड ट्राइंगल पी क्यू इज 6 सेंटीमीटर, पी आर इज 4 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इज गिवन एज 8 सेंटीमीटर. नाउ वॉट आर द रेशियोज ए बी एंड पी क्यू. इसका रेशियो अगर देखा जाए तो 2:4, 1:2 का रेशियो, 4:8, 1:2 का रेशियो, 3:6, 1:2 का रेशियो. इसका मीनिंग क्या हो गया, ए बी एंड पी आर का रेशियो कितना मिल रहा है, ए बी इज 2, पी आर इज 4, द रेशियो इज 1:2. सिमिलरली रेशियो ऑफ ए सी एंड क्यू आर, ए सी इज 4 एंड क्यू आर इज 8, अगेन द रेशियो इज 1:2. नेक्स्ट बी सी एंड पी क्यू 3:6, अगेन द रेशियो इज 1:2. इसका मीनिंग ये हो गया, फर्स्ट ट्राइंगल की साइड्स और सेकेंड ट्राइंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो क्या मिल रहा है, 1:2. 3 की 3 साइड्स का रेशियो 1:2 मिल रहा है. इसका मीनिंग ये हो गया कि फर्स्ट ट्राइंगल की सारी साइड्स और सेकेंड ट्राइंगल की सारी साइड्स सेम रेशियो में लाई कर रही है. तो ये टू ट्राइंगल्स साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगे, सिमिलर. अब इनको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखना है वो इम्पॉर्टेंट है. फर्स्ट ट्राइंगल को आप कैसे भी मेंशन कर सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर का सिंबल. नेक्स्ट ट्राइंगल का नाम लिखने से पहले आप अच्छे से साइड्स के रेशियो को ऑब्जर्व करेंगे. फर्स्ट इसमें कौन सी साइड आ रही है, ए बी. ए बी किसके प्रोपोर्शन में, पी आर के प्रोपोर्शन में, पी आर मेंशन करो. नेक्स्ट कौन सी आ रही है, बी सी. बी सी किसके प्रोपोर्शन में, पी क्यू. तो पी क्यू आना चाहिए. अगर आप यहाँ पर क्यू लिखते हैं तो ये गलत हो चुका, क्योंकि पीछे आर क्यू मिल रहा है. तो हम क्या करेंगे, इनको इंटरचेंज कर देंगे, आर और इससे हम कर देंगे पी. अब आप वापस चेक करें, ए बी और आर पी का सेम रेशियो, ए बी आर पी का है चाहे पी आर का है, सेम साइड ही है, इनका सेम रेशियो, ओके. बी सी एंड पी क्यू का सेम रेशियो, बी सी एंड पी क्यू का सेम रेशियो. फर्स्ट एंड लास्ट ए सी, या फिर फर्स्ट एंड लास्ट आर क्यू, ए सी एंड क्यू आर या फिर आर क्यू सेम रेशियो, ओके. मीन्स ये जो आपने यहाँ पर मैंशन किया है ये बिल्कुल करेक्ट है, इसे अच्छे से ध्यान रखना. नेक्स्ट क्राइटेरिया में हम और इसे अच्छे से कर लेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है. अब मूव करते हैं सेकंड क्राइटेरिया पर. सेकंड क्राइटेरिया है एंगल एंगल सिमिलैरिटी. मीन्स फर्स्ट ट्राइंगल के 3 एंगल सेकंड ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होने चाहिए. अच्छे से ध्यान रखना, साइड्स तो होनी चाहिए सेम प्रपोर्शन में, लेकिन एंगल की जहाँ पे भी बात करेंगे सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए, वहाँ पे इक्वल होना जरूरी है. चेक करते हैं, फर्स्ट ट्राइंगल के एंगल्स गिवन है 59, 60 एंड 61.
सेकेंड ट्राइंगल के भी 59, 60 एंड 61 ही गिवन है। इसका मीनिंग ये टू ट्राइंगल्स एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगे, सिमिलर। इसे किस टाइप से मेंशन करना है, ट्राइंगल पी क्यू आर। फर्स्ट ट्राइंगल को आप जैसे चाहें वैसे सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे आप लिखना चाहें पी क्यू आर लिख सकते हैं, क्यू आर पी लिख सकते हैं, आर पी क्यू, जो आप चाहें। लेकिन सेकेंड ट्राइंगल जब आप मैंशन करेंगे तो उसे इसी के रेस्पेक्ट में ही करना है। अब यहाँ पर एंगल्स इक्वल हैं तो एंगल्स के अकॉर्डिंग करना है। एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल पी 59 था, यहाँ पे 59 कौन सा है, डब्ल्यू, तो पहले डब्ल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा हमने मेंशन किया, क्यू, क्यू पे मूव करो, क्यू कितना है 60 डिग्री, इसमें 60 डिग्री कौन सा, वी, वी। नेक्स्ट आर, लास्ट था आर, आर 61 गिवन है, यहाँ पे 61 है, U, यहाँ पे हो जाएगा U। एक बार लिखने के बाद में वापस चेक कर लेना, एंगल P एंड एंगल W इक्वल होना चाहिए, एंगल P एंड एंगल W इक्वल है, एंगल Q एंड एंगल V इक्वल होना चाहिए, एंगल Q 60 डिग्री, एंगल V 60 डिग्री, ये भी ओके है, एंगल R एंड एंगल U इक्वल होना चाहिए, एंगल R 61, एंगल U 61, ओके। मीन्स ये जो आपने यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है ये बिल्कुल राइट है। टू क्राइटेरियाज कंप्लीट हो चुके हैं, फर्स्ट साइड साइड साइड, इसका मीनिंग है फर्स्ट ट्राइंगल की साइड्स सेकेंड ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स के सेम रेशियो में होनी चाहिए, सेम प्रपोर्शन में होनी चाहिए। सेकेंड था एंगल 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 सिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग, फर्स्ट ट्राइंगल के सारे एंगल्स सेकेंड ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होने चाहिए। नाउ मूव टू द थर्ड क्राइटेरिया ऑफ द सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स इज साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। साइड एंगल साइड मीन्स टू साइड्स एंड इन बिटवीन का जो एंगल है, टू साइड्स और उनके बीच में जो एंगल लाई कर रहा है वो सेकेंड ट्राइंगल की टू साइड्स और उनके बीच में जो एंगल लाई कर रहा है, साइड्स तो होनी चाहिए सेम प्रोपोर्शन में और एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल। इसका मीनिंग हमें टू साइड्स कंसिडर करनी है, सेकेंड ट्राइंगल की साइड्स के सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, इन बिटवीन का जो एंगल है वो सेकेंड ट्राइंगल के भी इन बिटवीन साइड्स के एंगल के इक्वल होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, एम एन ओ एक ट्राइंगल है जिसके थ्री साइड्स गिवन है, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। लेकिन इनमें से कौन सी टू साइड्स कंसिडर करनी है जिनके बीच में एंगल लाई कर रहे हैं, टू एंड फोर, इनके बीच का एंगल आपको गिवन है 65 डिग्री। तो हम टू और फोर को यूज करेंगे, ये हमारे अभी कोई भी काम की नहीं है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं पी ई टी, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 65 डिग्री। एंगल तो इक्वल मिल चुका 65 एंड 65, ये वाला क्राइटेरिया तो कंप्लीट हो चुका। लेकिन हमें ये भी चेक करना है कि इस एंगल से एडजेसेंट साइड्स जो है वो सेम प्रोपोर्शन में है या नहीं है। इसमें मूव करते हैं एम एन, एम एन 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे अगर आप पी टी लेते हैं, मुझे पता है ये राइट नहीं है, लेकिन अगर आप सपोज आपने गलती से पी टी कंसिडर कर लिया तो एम एन अपॉन पी टी का रेशियो हो जाएगा 2/6, 1/3। एम एन के बाद में कौन सा होगा, एन ओ, एन ओ, यहाँ पर कौन सा रहेगा, ई टी, ई टी, एन ओ 4, ई टी 3, दोनों का रेशियो इक्वल नहीं मिल रहा। मुझे पता था कि इससे ये नहीं होगा, लेकिन जरूरी थोड़ा ये एम एन और पी टी लिया जाए। आप देखो ना, 2 और 3 और 4 और 6 भी ले सकते हैं। वापस मूव करते हैं, एम एन और ई टी का आप केस लें, एम एन और ई टी का रेशियो 2 सेंटीमीटर/3, 2:3। एम एन हो चुका, ई टी हो चुका, सेकंड साइड कौन सी होगी यहाँ पर एंगल के साथ वाली साइड, एन ओ, एन ओ, यहाँ पे एंगल के पास वाली साइड पी टी, पी टी, एन ओ 4 सेंटीमीटर, पी टी 6 सेंटीमीटर, मीन्स 2/3 हो गए रेशोज इक्वल और इन बिटवीन का एंगल भी इक्वल। तो अगर आप गलती से साइड्स चेंज कर लें तो नेक्स्ट स्टेप में उसे चेंज कर लें, क्योंकि इससे तो रेशियो इक्वल नहीं हो रहा, हो सकता है नेक्स्ट से रेशियो इक्वल मिल जाए और वो डायग्राम से बहुत आसानी से पता चल जाएगा। यहाँ पर 2:3, 4 और 6 कैंसिल हो रहे हैं, 2:3 आसानी से पता चल रहा है। तो आप रेशियो की फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
टू साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया, इन बिटवीन का एंगल इक्वल गिवन है, इसका मतलब ये टू ट्राइंगल्स भी सिमिलर होंगे। कौन से क्राइटेरिया से? साइड एंगल, साइड क्राइटेरिया से। अब सिंबॉलिक फॉर्म में आप कैसे मेंशन करेंगे? फर्स्ट का नाम जैसे आप चाहें, इस बार मैं कर देता हूँ ओ एम एन, ओ एम एन, सिमिलर टू ट्राइंगल। ओ हमने लिया है, ओ के बाद में एम 3.5 सेंटीमीटर, मीन्स ऐसी साइड लेनी है जो हमारे यूज में नहीं आ रही। सबसे पहले एंगल ले लेते हैं हम, एंगल कौन सा इक्वल था? एन, एन सबसे लास्ट में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे भी एंगल वाला जो पॉइंट है वो सबसे लास्ट में लाई करेगा। 1 2 3 फिलअप्स है हमारे पास में, यहाँ पे हो गया टी। नेक्स्ट एम एन, एम एन मीन्स 2 सेंटीमीटर, और एंगल वाली साइड का जो पार्ट है वो बाद में आ रहा है। एम एन 2 सेंटीमीटर, ये किसके प्रोपोर्शन में थी? एम एन ई टी के, तो यहाँ पे हम कर देते हैं ई। क्लियर? पहले हमने एंगल वाला पॉइंट मेंशन किया, एंगल वाला वर्टेक्स मेंशन किया, एन और टी थे, तो यहाँ पे सबसे लास्ट में एन था तो सबसे लास्ट में टी कर दिया। उसके बाद लास्ट टू एम एन साइड किसके प्रोपोर्शन में? ई टी के प्रोपोर्शन में, तो ई टी कर दिया। अब लास्ट में क्या रह गया? पी। लिखने के बाद में दोबारा चेक कर लें इसे, ओ एम गिवन है? नहीं गिवन। एम एन गिवन है? गिवन है। एम एन किसके प्रोपोर्शन में? ई टी, तो यहाँ पे लास्ट में एम एन, यहाँ पे भी लास्ट में ई टी। ओके, नेक्स्ट एम एन के बाद में ओ एन गिवन है? ओ एन गिवन थी 4 सेंटीमीटर। ओ एन का प्रोपोर्शन किसके साथ होना चाहिए? पी टी। ओ एन फर्स्ट लास्ट, पी टी फर्स्ट लास्ट, इसका मतलब ये जो आपने सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है ये बिल्कुल राइट है। इस टाइप से सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए आपके पास में 3 क्राइटेरियाज हैं। फर्स्ट साइड 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 क्राइटेरिया, जिसमें फर्स्ट ट्राइंगल की 3 साइड, सेकंड ट्राइंगल की 3 साइड्स के सेम रेशियो में होनी चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया इज एंगल 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 सिमिलैरिटी। अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया द एंगल्स ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल टू द एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द सेकेंड ट्राइंगल। एंड इन द थर्ड क्राइटेरिया साइड एंगल एंड साइड सिमिलैरिटी, इन विच द प्रपोर्शन ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग रेशियो और प्रपोर्शन ऑफ द सेकेंड ट्राइंगल, एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन द साइड्स मस्ट बी इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द सेकेंड ट्राइंगल। अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें 2 ट्राइंगल्स गिवन है, ए बी सी एंड पी क्यू आर। ये आपको फिगर में अच्छे से क्लियरली दिखाई दे रहा है। एंगल ए 60 डिग्री गिवन है, एंगल बी 80 डिग्री एंड एंगल सी 40 डिग्री। सिमिलरली पी क्यू आर के अंदर एंगल पी 60, एंगल क्यू 80 एंड एंगल आर 40 डिग्री गिवन है। तो हम आसानी से आइडिया लगा सकते हैं कि फर्स्ट ट्राइंगल के 3 एंगल सेकेंड ट्राइंगल के 3 एंगल्स के इक्वल हैं। एंगल ए किसके इक्वल मिल रहा है? एंगल पी, एंड दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल क्यू, एंड दिस इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंड लास्ट एंगल सी एंगल आर के इक्वल गिवन है, और ये है 40 डिग्री। सी आर के इक्वल गिवन है 40 डिग्री। फर्स्ट ट्राइंगल के 3 एंगल्स सेकेंड ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल है, इसलिए फर्स्ट ट्राइंगल मीन्स ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है एंगल ए किसके इक्वल है? पी, तो पहले पी। बी किसके इक्वल मिल रहा है? क्यू, देन क्यू। सी किसके इक्वल मिल रहा है? आर, देन आर। मीन्स ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये हो गया आपका केस फर्स्ट। अब मूव करते हैं केस फिफ्थ पार्ट, जो क्वेश्चन नंबर 1 का है। इसमें भी आपको 2 ट्राइंगल्स गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। और क्लियरली हमें यह पता चल रहा है कि इसके अंदर आपको सिंगल एंगल और 2 साइड्स गिवन है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे 2 साइड्स और सिंगल एंगल की बात हो रही है, इसका मतलब हम प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा क्राइटेरिया हम अप्लाई करने की ट्राई करेंगे साइड एंगल एंड साइड। लेकिन इसके लिए 2 साइड्स और इन बिटवीन का एंगल होना जरूरी है, जबकि यहाँ पर 2 साइड्स और इन बिटवीन का एंगल नहीं दे रखा है। इसका मीनिंग ये हो गया कि इसमें साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। रेशियोज तो इक्वल हैं, 2.5 का डबल 4
फाइव, थ्री का डबल सिक्स, इन बिटवीन का एंगल यहाँ पे तो दे रखा है आपको, यहाँ पे तो इन बिटवीन का एंगल मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 2.5 और 3 सेंटीमीटर के बीच का एंगल गायब है, नहीं दे रखा, 80 डिग्री नहीं है, इसलिए ये टू ट्राइंगल साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से सिमिलर नहीं होंगे, ये टू ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। थैंक यू।